चलो स्टार्ट करते हैं हम सेल डिवीजन चैप्टर को। सेल डिवीजन चैप्टर में अभी तक थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन की। थ्योरी पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी पोर्शन होपफुली सभी का क्लियर हो चुका है। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के एक दो ट्रिक देंगे, दो या तीन ट्रिक ही है सिर्फ इसको सॉल्व करने के। इन दो तीन ट्रिक को समझ लेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। करके देखें एक बार, मॉड्यूल्स लाए क्या आप लोग? मॉड्यूल्स लाए क्या पेस वाला? चलेगा। अभी पहले क्वेश्चन को ट्रिक देते हैं, पहले ट्रिक सिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक है, आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इतने सीड बनने के लिए, गेहूं के 50 दाने बनने के लिए कितने बार मियोसिस होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 100 सीड बनने के लिए वीट के, दे दिया वीट के 100 सीड बनने के लिए कितने बार मियोसिस होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। क्या आंसर होगा इसका? इसको सॉल्व करने का ट्रिक देख लीजिए, याद करने का तरीका नहीं बल्कि सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए सीड बना है, क्या बात कर रहा है, गेहूं के 100 सीड की बात कर रहे हैं, और 100 सीड बनने की बात कर रहे हैं। तो सीड बनने के लिए, एक सीड बनने के लिए कितने स्पर्म चाहिए होते हैं या कितने पॉलन ग्रेन चाहिए होते हैं? 100 पॉलन ग्रेन और 100 ही ओवा चाहिए होंगे, मेल गैमेट भी 100 चाहिए होंगे और फीमेल गैमेट भी 100 चाहिए होंगे। जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे तब 100 जाइगोट बनेंगे और जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा और हर इम्ब्रियो से एक सीड बनेगा। पता है इसी बात? तो मतलब 100 सीड बनाना है, इसका मतलब हमको क्या क्या चाहिए होंगे, आपके स्पर्म कितने चाहिए होंगे, स्पर्म बोले तो मेल गैमेट 100, आपके 100 पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ेगी। 100 पॉलन ग्रेन, प्लांट बोले तो पॉलन ग्रेन बोल देना, एनिमल्स के लिए बात करेंगे तो स्पर्म बोलना। तो 100 पॉलन ग्रेन की जरूरत पड़ेगी और ओवा कितनी जरूरत पड़ेगी? 100 ही ओवा चाहिए होंगे। जब 100 पॉलन ग्रेन और 100 ओवा एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, इनके फ्यूजन से पॉलन ग्रेन और इसके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। कितने जाइगोट बनेंगे? 100 जाइगोट बनेंगे और 100 जाइगोट से आगे जाकर क्या बनेगा, 100 इम्ब्रियो बनेंगे और हर इम्ब्रियो से एक सीड बनेगा, तो 100 सीड बनेंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब हमको 100 सीड बनाना है, इसका मतलब कि हमको 100 पॉलन ग्रेन चाहिए होंगे और 100 ओवा चाहिए होंगे। क्लियर इतनी सी बात? 100 पॉलन ग्रेन, 100 ओवा मिलेगा तो 100 जाइगोट मिलेंगे फ्यूजन से, 100 जाइगोट से 100 इम्ब्रियो, 100 इम्ब्रियो से 100। कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? अब क्वेश्चन है कि 100 पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन मतलब जर्म सेल, पॉलन ग्रेन बोले, स्पर्म बोले, ओवा बोले, एग बोले, ये सभी जर्म सेल का नाम है। और जर्म सेल आपकी सेक्सुअल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल जो भी बोलते हैं, गैमेट, इनका जन्म किससे होता है, मियोसिस से या माइटोसिस से? सभी पता, मियोसिस से बनती है जर्म सेल, मियोसिस से बनती है। तो पॉलन ग्रेन मियोसिस से पैदा होगी और आपके ओवा भी मियोसिस से पैदा होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा कि जब भी मियोसिस होती है तो एक सेल से कितनी सेल बनती है, एक सेल से चार सेल बनती। जब भी मियोसिस होता है तो एक सेल से चार सेल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह आपके 100 पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितने बार मियोसिस जरूरत होगी? 25। कैसे निकाले? एक बार में चार बनते हैं तो जितने बार का पूछ, जितने बनना है उस डिवाइडेड बाई 4 कर देना। 100 पता करना तो 100 डिवाइडेड बाई कितना आया, इसका आंसर हुआ यहां पर 25 टाइम मियोसिस होगा। अगर तो आपसे कोई पूछे 25 टाइम मियोसिस होगा तो जाकर 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे। आपसे कोई पूछे 100 पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितने बार मियोसिस होगा, आंसर होगा 25 टाइम। जितना पूछा जाए, जितने पॉलन ग्रेन बनाना है, जितने मेल गैमेट बनाना है, स्पर्म बनाना है, उतने में 4 को डिवाइड कर दो, क्योंकि एक बार में चार सेल बनती है, दो बार में 8 बनेंगी तो 25 बार में 100 बनेंगी, हर बार में 4 बनती है, एक टाइम में 4 बनती है। इतना तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लियर कर लेना, उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो किससे हो जाएंगे सॉल्व। ओवा, ओवा भी जर्म सेल है, मियोसिस से बनेगा। क्लियर थी इस बात? तो मियोसिस से बनेगा तो एक सेल से कितनी सेल बनती है मियोसिस में? 4 बनती है। 100 ओवा बना आपके देखेंगे, यहां पर जब आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी आ गया, यहां पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि मियोसिस के दौरान गैमेट ओवा बनते समय 4 ओवा तो बनते हैं लेकिन उनमें से 3 ओवा मर जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं इमीडिएटली, सिर्फ एक ओवा बचता है।
हमारी बात मेगा स्पोर्ट जिन्हें वगैरह पढ़ाएंगे आपको, क्लास 12th में आएगा आपके रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पढ़ेंगे कि चार में से तीन डी जनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक जिंदा बचता है। तो एक बार में कितने बचेंगे जिंदा? तो 100 ओवर बनाने के लिए कितने बार म्यूसिस करानी पड़ेगी? 100 टाइम्स। यहाँ पे याद रखना कि 100 ओवर बनाने के लिए 100 टाइम म्यूसिस करनी पड़ेगी। फीमेल गैमेट के केस में थोड़ा डिफरेंट है कि तीन डी जनरेट होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में वैसा होता है। लड़कों के शरीर में एक बार में चार स्पर्म बनते हैं एक म्यूसिस से, लड़कियों के शरीर में चार बनते हैं ओवा, लेकिन तीन डिजनरेट होता है, सिर्फ एक ओवा जिंदा बचता है। इसीलिए आपके फीमेल की बॉडी में जो देखते हो सिर्फ एक ओवा एक समय पर होता है। समझ में बात, क्यों तीन डिजनरेट हो जाते हैं? तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट ह्यूमन के लिए भी है। अगर स्पर्म ओवा पूछे तो भी आप कर सकते हो, बच्चे पूछे तो, या सीड पूछे था वहां बच्चे बोलेगा। समझ में आ रही बात? तो आपके 100 टाइम्स आपका यहां पर म्यूसिस होने की जरूरत है। तो टोटल बताइए कितने बार म्यूसिस हुआ? 25 + 100, मतलब आंसर क्या होगा? 125 टाइम म्यूसिस होने से 100 सीड बनेंगे। 100 सीड बनने के लिए कितने बार म्यूसिस होगा? 125 टाइम। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया तो अच्छी बात है, एक बार और रिपीट कर दे। रिपीट करना है, चलो कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं रिपीट। अगर क्वेश्चन हम चेंज करके पूछ ले 50 सीड बनने के लिए कितने बार म्यूसिस होगा, तो 50 सीड मतलब स्पर्म कितने चाहिए होंगे? 50 आपके पॉलन ग्रेन चाहिए होंगे, और 50 ही आपको क्या चाहिए होगा? ओवा चाहिए होगा। जब 50 पॉलन ग्रेन 50 ओवा मिलेंगे तो जाकर 50 जाइगोट बनेगा। 50 जाइगोट बनेंगे तो 50 जाइगोट से बनेगा 50 सीड बनेगा। तो 50 सीड बनने के लिए सब कुछ क्या चाहिए? 50 चाहिए हमको। अब आपसे कोई पूछे 50 पॉलन ग्रेन कितनी म्यूसिस के बाद बनेगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना आंसर आएगा? 12.5। अब म्यूसिस पॉइंट में होती है क्या? नहीं। या तो होगी या नहीं, या तो 12 बार म्यूसिस करेंगे या 13 बार करेंगे। तो 12 बार कराने से आपको कितना बनेगा? 48 सीड ही बनेंगे, लेकिन पूछिए कितने। तो इसलिए कम नहीं लेते हैं, जब भी पॉइंट में वैल्यू आएगी तो एक एक्सीड करके लेते हैं, हमेशा आंसर यही होता है। चाहे इतना सा भी एक्सीड करे तो आपका थोड़ा भी एक्सीड करेगा तो सीधे एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसलिए कितने बार म्यूसिस करनी पड़ेगी? 13 टाइम्स म्यूसिस करनी पड़ेगी, तब जाकर 50 आपके पॉलन ग्रेन बनेंगे। 50 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने बार म्यूसिस करनी होगी? 13 टाइम्स। और एक बार में एक ओवा जिंदा बचता है, तीन ओवा मर जाते हैं, तो बताओ 50 ओवा बनाने के लिए कितने बार? तो 50 टाइम्स में 50 ओवा बनेंगे, और 13 टाइम में आपके 50 पॉइंट गेन बनेंगे। और टोटल कितने बार म्यूसिस करानी पड़ेगी? 63 टाइम। ठीक है, अगर आपने 62 कहा तो गलत हो जाएगा, 62 पॉइंट समथिंग कुछ कहा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यूसिस पॉइंट में नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती। जब भी पॉइंट में आंसर आए तो कंप्लीट वन कर देना उसको। समझ में आई बात? क्योंकि अगर आप आपसे पूछे जल्दी से, तो ना अगर आंसर आता 62.01, अब इसको 62 मानोगे या 63 मानोगे? हाँ, इतना सा भी ज्यादा होगा तो 63 मानना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपका, आपको एक ईयरफोन खरीदना है, इस ईयरफोन का दाम है मान लेते हैं 1050 रुपए, 1050 रुपए या 1005 रुपए, सबको चलो और हाथ से लेते हैं, 1005 रुपए का है ये, 1005 रुपीज का है ये। आपके पेरेंट्स आपको पर डे 100 रुपए देते हैं जो पॉकेट मनी, बताइए कितने दिन की पॉकेट मनी से आप इसको खरीद सकते हैं? 10 दिन की पॉकेट मनी से मिलेगा आपको क्या? 10 दिन की पॉकेट मनी लेकर जाएंगे, दुकानदार भगा देगा, क्योंकि इसका प्राइस क्या है? 1005 रुपीज एमआरपी में मिलता है प्योर, मतलब 1 रुपए भी कम नहीं करेगा। तो आपको अगर 10 दिन की पॉकेट मनी से मिल पाएगा क्या? 11 दिन में आपके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बचा के वापस रख लेंगे, और क्या, ज्यादा होने पर रख लेंगे बचा के, कम होने पर मिलेगा ही नहीं। मिनिमम 10 दिन की, 11 दिन की पॉकेट मनी से आप खरीद सकते हैं इसको, 10 दिन की पॉकेट मनी से नहीं खरीद सकते, 5 रुपए कम पड़ रहे हैं आपके, 5 रुपए भी इंपॉर्टेंट है, 5 का 1 रुपए भी इंपॉर्टेंट है। समझ वाली बात? इसी तरह यहां पर है, अगर एक भी वैल्यू बढ़ती है तो आप सीधे ज्यादा कर देंगे, चलेगा? अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल खोल लीजिए, नहीं है तो हम क्वेश्चन बता देते हैं, मुंह से बोलकर सुना देते हैं, जिनके पास नहीं है वो सुन ले,
जिनके पास पेज का मॉड्यूल है पेज नंबर 80 खोल लें, अगर जिसके पास भी है लाए हैं पेज का मॉड्यूल तो पेज नंबर 80 खोल ले, नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं सुनेंगे। पेज नंबर 80 में क्वेश्चन नंबर 21 बोले, क्वेश्चन को सुनेंगे ध्यान से। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 वीट ग्रेन, क्या आंसर होगा, क्या आंसर आएगा, 63 आंसर आएगा। क्लियर है, ये तो हमने सॉल्व भी कर दिया। यहां पर वीट लिखे चाहे राइस लिखे चाहे बाजरा लिखे चाहे मेज लिखे, कोई कुछ चेंज करना है क्या? ऑलमोस्ट लगभग सारे सीट के लिए यही कॉन्सेप्ट है, कुछ सीट एक्सेप्शनल है बात अलग है, वरना सारे सीट के लिए यही रहेगा। आपके सीट चाहे गेहूं के हो चाहे राइस के हो चाहे चावल के हो, एक्सेप्शन हम लोग आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, जब रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से पढ़ाएंगे वहीं पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं, यह नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछेगा। आएंगे तो उस चैप्टर कॉन्सेप्ट मिलाकर आएंगे जब भी आएंगे, वरना आपके इस से नहीं आएंगे, इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है ठीक है। क्लास ट्वेल्थ में जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 ठीक है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर 16 ग्रेन्स ऑफ वीट, गेहूं के 16 दाने बनने के लिए कितने बार, 20 टाइम्स, 16 टाइम के 16 बनने के लिए दाने बनने के लिए 20 टाइम म्यूटिक डिवीजन, वेरी गुड। सॉल्व करने का ट्रिक दे देते हैं फॉर्मूला, पहले आपको आपको हाँ बताया था ना, n प्लस एन वाई फोर, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे n का वैल्यू जो हम बोले वो रख दो सीधे सीधे, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो काम। पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, अब कॉन्सेप्ट जब सीख गए हो तो n प्लस एन वाई फोर ये फॉर्मूला भी याद करके भी कर सकते हो ये काम, क्योंकि नीट में इतना तेज टाइम बर्बाद ना हो आपका ज्यादा देर क्वेश्चन सॉल्व करने में, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, जो सीट का नंबर बोले वो डाल दो n की जगह पे, 16 जैसे बोला तो यहाँ पे 16 लिख दो n की जगह में, 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 आंसर होगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसको तो समझाना पड़ेगा, और आगे चलते हैं, इससे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स ऑफ टिपिकल डाइकॉट प्लांट। अभी टिपिकल डाइकॉट प्लांट सुनने से डर जाएंगे क्या आप? नहीं डरिएगा, टिपिकल टिपिकल पे जाइए, छोड़ दीजिए डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, कौन सा कॉट है, आपको याद क्या रखना है सर कि कितने सीड है ठीक है। किसी भी चाहे गाय का बच्चा पूछे चाहे भैंस का बच्चा पूछे, स्पर्म बनने में मियोसिस ही होगी, चाहे इंसान का बच्चा पूछे, बच्चा पैदा करना है तो स्पर्म की जरूरत पड़ेगी, और स्पर्म मियोसिस से ही बनेंगे, और एक बार में एक मियोसिस से चार ही स्पर्म बनते हैं, और ओवा एक मियोसिस में एक ही बनेगा, तीन डीजेनरेट हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट सभी में चलता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो ठीक है, एक्सेप्शन कुछ जगह पे चलेंगे लेकिन मैक्सिमम जगह यही पर चलता है, कोई दिक्कत? तो मान के रखें कि आपको इस तरह क्वेश्चन कभी पूछेगा आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब कॉन्सेप्ट नंबर ट्रिक नंबर टू की ओर ले चलते हैं, दूसरा ट्रिक बता देते हैं आपसे, जिससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर में वो ट्रिक भी सीख लेते हैं, जिससे आप बाकी के सारे क्वेश्चन कर सकें। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और इस डायग्राम को चार्ट को बनाकर बना लीजिए, जिससे आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। पहले माइटोसिस की बात करते हैं हम, माइटोसिस के स्टेजेस बताइए क्या क्या आते हैं। सबसे पहला स्टेज माइटोसिस की बात कर रहे हैं हम, या माइटोसिस की बात करेंगे, माइटोसिस में सबसे पहला फेज आएगा आपका G1 फेज, सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, G1, फिर कौन सा आएगा, S फेज, फिर G2 फेज, फिर प्रो फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, एना फेज, टीलो फेज, और फिर साइटोकाइनेसिस। बोर्ड पे दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है, सारे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कोई दिक्कत यहां पर? ये सारे फेजेज लिख दिए, यही फेजेज आते हैं ना, और कोई फेज आता है सेल डिवीजन के दौरान? यहां से यहां तक को आई फेज कहते हैं, और यहां से यहां तक को एम फेज कहते हैं, देख पा रहे हो?
और कोई फेज, कितने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, तो जो भी है इसी में है, फेज इतने ही है। कितने फेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेजेज है टोटल। इतने स्टेज में आ जाता है माइटोसिस होने के लिए, 8 स्टेज में होकर जाता है। यहां से तक को आई फेज, यहां से यहां तक को कैरियोकाइनेसिस, इसको साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिला देंगे तो एम फेज। कोई दिक्कत यहां पर कर दे, यहां पे लिस्टिंग मिस कर देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये यहां से यहां तक कहलाएगा आई फेज, आई फेज बोले मतलब यही है यहां से यहां तक। यहां से यहां तक को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इसको साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एम फेज। कोई दिक्कत, होपफुली सबको क्लियर है। तो पहला आपको इसे मिटा देते हैं इधर पे, कोई जरूरत नहीं, इसे समझते हैं सभी को याद है ये बात, क्यों फालतू में इतना हौच पौच धापा झट दिखे। तो आपके कॉलम क्या क्या बनाते हैं, पहला कॉलम था फेजेज, फेज डिफरेंट डिफरेंट फेज है, फेज ऑफ माइटोसिस है कि मियोसिस है, ये माइटोसिस, फेज ऑफ माइटोसिस पहला कॉलम। दूसरा कॉलम बनाते हैं हम किस चीज के लिए बनाते हैं, दूसरा कॉलम आपके क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर के लिए। और तीसरा कॉलम बनाते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम जो भी बोलो, क्रोमोसोम का अमाउंट बोलो। ये तीन कॉलम हमारे बना लिए हमने, इन तीनों कॉलम पे अलग अलग डाटा बैठाएंगे और देखेंगे क्या कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन पेज की। अगर हम बात करते हैं कोई सेल हमारे पास है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या कोई भी गिनती ले सकते थे, हम 2n ले लिए एग्जांपल तौर पे। अगर हमारे पास एक सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जीवन स्टेज में, तो बताइए किस स्टेज में कितने कितने होंगे, सारे स्टेज को फुलफिल करना है अलग अलग। तो सोचकर आंसर दीजिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां बदलते थे, किस स्टेज में बदलते हैं, यहां से यहां तक में एनाफेज में डबल हो जाते हैं, पता है ना, उसके पहले तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब जीवन में 2n है, एस में कितने होंगे, 2n ही होंगे, G2 में 2n ही होंगे, प्रोफेज में, मेटाफेज में भी 2n, एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n का, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस, और स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, 4n हो जाएगा एनाफेज में, एनाफेज में 4n है तो टेलोफेज में भी कितना रहेगा, 4n ही रहेगा, देख पा रहे हो। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, दो टुकड़े में सेल हो जाएगी, तो पहली वाली सेल में भी 2n, दूसरी वाली सेल में भी 2n, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर कितना हो जाएगा अगेन, तो साइटोकाइनेसिस के दौरान ये आपके फिर से 2n मेंटेन हो गए। ये आपका चार्ट है, आपसे कुछ भी पूछ ले घुमाकर कि अगर इस स्टेज में इतने तो इस स्टेज में कितने होंगे, बताए अगर जीवन स्टेज में अगर किसी सेल में 26 क्रोमोसोम है तो G2 फेज में कितने होंगे, जो यहां पर वही रहेगा, जीवन में जो है वो G2 में रहेगा, 26 था 26 रहेगा, एस में 26, प्रोफेज में, मेटाफेज में, मेटाफेज यहां पे है 26, एनाफेज में 26 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कितना जाएगा, कम होगा 52, टीलोफेज में और फिर साइटोकाइनेसिस में, रिपीट कर रहे हैं ऐसे समझ सकते हो। क्रोमोसोम नंबर अगर आपको बता दे किसी एक स्टेज का, बता दे किस स्टेज में इतना है, तो आपको बाकी स्टेज का किसी भी स्टेज का पूछ लेगा तो आप बता सही पाओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आपका क्रोमोसोम का डबलिंग सिर्फ और सिर्फ एनाफेज में होता है, हाथ सब कुछ पहले चुके हैं, सिर्फ चार्ट के फॉर्म में इसमें बता दे रहे हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डबल इन द एनाफेज, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर डबल कर दिया एनाफेज में, टीलो फेज में तक डबल रहेगा, बाद में सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक में 2n चला जाएगा, दूसरे में भी 2n आ जाएगा। कोई दिक्कत लग रही है यहां तक समझने तो बता दो जल्दी से। आपसे कोई भी क्रोमोसोम नंबर वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं माइटोसिस के,
बता सकते हैं आप, माइटोसिस में कहीं से भी नंबर आप क्रोमोसोम के क्वेश्चन पूछे तो बता देंगे आप लोग। अब अमाउंट ऑफ डीएनए के वाले क्वेश्चन बता देते हैं, अगर कोई दिक्कत है एक बार बता दे पक्का, मतलब याद रखना पूरे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर जगह सेम होंगे, सिर्फ एनाफेज और टेलोफेज में डबल रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए का। अगर हम मानकर रख लेते हैं कि जीवन फेज में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है, अमाउंट को सी से दिखा देते हैं, 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है 2C, तो बताइए एस फेज में आपके डबलिंग ऑफ डीएनए कहां होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कहां होता है एस फेज में, आपको पता है एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल, तो एस फेज में आपका क्या हो जाएगा ये 2C का 4C हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम बट अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी, पढ़े थे हम लोग 4C हो जाएगा। G2 फेज में कितना रहेगा 4C, प्रोफेज में, मेटाफेज में, अब बात करो एनाफेज, एनाफेज में क्या होता था कि आपके लिए स्पिटलिंग ऑफ क्रोमोसोम होता था लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहता था, पढ़ाए थे आपको, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डबल बट अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी, इसलिए एनाफेज में कितना होगा 4C ही रहेगा, टेलोफेज में 4C रहेगा। देखो आगे पीछे सीक्वेंस हो गया है, जाते मैच कर लेना आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तक का बना दिए। अब साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अच्छा लाइन खींच दे क्या, इसमें गड़बड़ा जा रहा है, इससे लाइन से सीधा रहेगा किसका कौन सा है, वरना बाद में भी क्वेश्चन पूछेंगे आप बोलोगे सर आपने ऊपर नीचे लिख दिया था। अच्छा अब नहीं होगा गड़बड़, तो यहां पर 2C था तो यहां पर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा 4C, G2 फेज में 4C, प्रो फेज में 4C, मेटा फेज में 4C, एला फेज में, टीलो फेज में, आप सोचो साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और ये 4C दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, तो एक सेल में कितना जाएगा वापस से ये 2C हो जाएगा। अब देख पा रहे हो चार्ट जो बना है स्क्रीन पे, ये अमाउंट ऑफ डीएनए का बना है माइटोसिस के फेज में, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम का अमाउंट या डीएनए का अमाउंट किस हिसाब से चेंज होता है, किस स्टेज में कितना होगा, अगर एक चार्ट क्लियर है तो आपको बता सकते हैं आंसर, या आपके दिमाग में एक लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एस में डबल करना है, एस के पहले में जितना होगा एस के बाद उसमें सब में डबल चलेगा, साइटोकाइनेसिस में आधा होता है एस में डबल होता है, ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो क्लियर रहेगा आपके दिमाग में।